गंगा नदी के किनारे की ओर जाने वाली सीढ़ियों को घाट कहते हैं। बनारस शहर में गंगा के किनारे 88 घाट हैं। उनमें से अधिकांश घाटों का उपयोग स्नान और विभिन्न पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों को करने के लिए किया जाता है और कुछ घाटों का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार जैसे कर्मों के लिए किया जाता है। सन 1700 के बाद बनारस में अनेक घाटों का निर्माण करवाया गया था। ये वह काल था जब बनारस नगरी पर मराठा शासकों का शासन हो गया था। यहाँ कई घाट बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि। इन घाटों की प्रसिद्धि के पीछे अनेक रोचक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन घाटों के निर्माण के विषय में कोई नहीं जानता कि किसने और कब इनका निर्माण करवाया। अहल्याबाई घाट, गंगा महल घाट, चेत सिंह घाट जैसे घाट बहुत बाद में बनवाए गए थे। स्कंद महापुराण के काशी खंड में 80 घाट का वर्णन संवेद तीर्थ के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ ये है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी 80 घाट पर गंगा स्नान कर लेता है, उसे सभी तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य मिल जाता है। कुछ अन्य ग्रंथों जैसे मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में भी इस घाट का वर्णन मिलता है। हिंदू ग्रंथों में एक ऐसी कथा आती है जिसके अनुसार माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारकर अपनी तलवार फेंक दी थी। तलवार को संस्कृत में असी भी कहते हैं। जहां वह तलवार गिरी वहां से एक नदी बहने लगी जो आगे चलकर असी नदी के नाम से विख्यात हुई। इसलिए 80 घाट पर गंगा और 80 नदियों का संगम होता है। एक और कथा के अनुसार भगवान शिवजी ने 80 घाट के इसी स्थान पर 80 असुरों का संहार किया था, इस कारण से भी इस घाट को 80 नाम मिला। 80 घाट गंगा और 80 नदियों के संगम पर वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। 80 घाट वाराणसी में स्थित सभी घाटों में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे बड़े घाटों की श्रेणी में आता है। 80 घाट दशाश्वमेध घाट के बाद दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर घाट है। इस 80 घाट पर खड़े होकर अन्य सभी घाटों का नजारा देखा जा सकता है। 80 घाट पर घूमते हुए गंगा नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। श्रद्धालु आमतौर पर 80 घाट पर चैत्र, माघ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रबोधिनी एकादशी और मकर संक्रांति जैसी कुछ विशेष महत्व की तिथियों पर पवित्र गंगा स्नान करते हैं। 80 घाट पर पीपल के एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है। गंगा स्नान करने के बाद तीर्थयात्री 80 घाट पर स्थित इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। विदेशी विद्यार्थियों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं को 80 घाट विशेष रूप से आकर्षित करता है और इसी कारण से 80 घाट साल के 12 महीने विदेशी पर्यटकों और विद्यार्थियों से भरा रहता है। 80 घाट पर लोग आनंद मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। त्योहारों के मौकों पर इस घाट पर बहुत ही भीड़ हो जाती है। यहाँ बहुत चहल पहल हो जाती है। एक सामान्य दिन पर सुबह के समय 80 घाट पर लगभग 300 व्यक्ति प्रति घंटा पर आते हैं, किंतु त्योहार के अवसर पर यहाँ करीब 2500 व्यक्ति प्रति घंटा पर देखे जा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 80 घाट के बिल्कुल नजदीक है। 80 घाट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच मात्र 3 किलोमीटर की दूरी होगी और एक ऑटो रिक्शा की ड्राइव आपको यूनिवर्सिटी से 80 घाट तक केवल 2-3 मिनट में ही पहुंचा देती है। इसलिए सामान्य दिनों पर हर रोज आने वाले पर्यटकों में से मुख्य लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही होते हैं। 80 घाट पर शिवरात्रि जैसे त्योहारों के अवसर पर एक ही बार में करीब 22,500 लोगों से भर जाता है। हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दिवाली पर 80 घाट पर लगभग 5 लाख तीर्थयात्रियों को देखा जा सकता है। 80 घाट दुर्गा कुंड मंदिर, तुलसी मानस मंदिर,
तथा अग्रोहा मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हिंदुओं की मान्यता है कि रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वर्गवास इसी घाट पर हुआ था। पूरे बनारस में टुक टुक नाम से एक ऑटो सर्विस चलती है। टुक टुक ऑटो वाला आपको झट 80 घाट पर ले जाएगा। टुक टुक ऑटो वाला ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लेता है। 80 घाट पर जाने का सबसे सही समय प्रातः सूर्योदय का तथा सायंकालीन सूर्यास्त संध्या का है। 80 घाट की प्रातः और सायंकालीन आरती सबसे अधिक दर्शनीय होती है। बनारस जाकर 80 घाट पर प्रातः और सायंकालीन आरती में शामिल हुए बिना बनारस की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। यदि आप 80 घाट पर सूर्योदय से आधा घंटा पहले पहुंच जाए तो यहां आपको संगीत, योग, सूर्योदय, शांति और लोगों के एक अद्भुत संयोग का दर्शन होगा। 80 घाट पर पर्यटकों को कई गतिविधियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। 80 घाट से बोट राइड का आनंद भी लिया जा सकता है। यहां आप प्रातः बोटिंग करते हैं तो बोट वाला 1 घंटा की राइड करवाएगा और आपको मणिकर्णिका घाट तक ले जाकर वापस ले आएगा। इसके लिए प्रति सवारी के 100 से 150 रुपए लगते हैं। यदि आप पूरी नाव अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं तो आपको 700 से 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। बोट राइड के दौरान आपको खूबसूरत साइबेरियन पक्षी भी दिखाई देंगे। हॉट एयर बैलून की सवारी से 80 घाट का एरियल सीन देखा जा सकता है। 80 घाट एरिया में हर बजट में आने वाले बहुत सारे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप्स भी खुले हुए हैं। यदि आप खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। 80 चौराहा साइन बोर्ड के पीछे गोलगप्पे जरूर खाने चाहिए। कचौरी, सब्जी और जलेबी का नाश्ता भी अवश्य टेस्ट करना चाहिए। 80 चौराहा काशी स्टॉल पर कुल्हड़ वाली चाय का लुत्फ लिया जा सकता है। आपको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार 80 घाट को देखने अवश्य आना चाहिए। आप यहां से अपने साथ बहुत सारी अविस्मरणीय यादें ले जाएंगे।